अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ कामरान अंसारी। आप देख रहे हैं हुसामी न्यूज़। आइए देखते हैं आज की सुर्खियों पर एक नज़र। मेरा नाम फजलुन्निसा है। 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी इनसे। इनका नाम मोहम्मद जाकिर है और ये लोग बिल्कुल मतलब इलिटरेट है और जाहिल किस्म के लोग हैं और लोग कभी भी औरत को डोमिनेट करने के चक्कर में रहते हैं और हमेशा से ये चीज़ हम बोलते थे कि औरत का कुछ भी मुकाम नहीं है, पैर की जूती है, वो है, ये है, और हमेशा सिखा सिखा के भेजते थे, जाओ मारो पीटो वो करो ये करो बोल के। और जो है इन ज़्यादा कमाते करते भी नहीं थे तो उनकी फैमिली से कोई भी उनको नहीं बोलता था कि तुम कमाने जाओ या करो वो करो बोल के। मैं एजुकेटेड हूँ, मैं जॉब करने जाती थी और मेरी सैलरी से तकरीबन घर मैं चलाती थी। अगर मैं जॉब करने नहीं गई, मैं इनकार करी, ऐसा कुछ भी बोली तो उस पर भी मारपीट करते थे। इनकी फैमिली तो बिल्कुल ही डोमेस्टिक वायलेंस के उसमें रहती थी। कभी इनके भावजन चढ़ाते थे, कभी इनके भाइयाँ चढ़ाते थे मारो पीटो बोल के। और इनके एक भाई बाहर थे मेरी शादी हुए के बाद, फिर उन्होंने जब वापस आए पता नहीं उनको क्या इनसिक्योरिटी हो गई मेरे से। कभी समटाइम्स जो है मेरी कमर में भी हाथ वगैरह ऐसा डाल रहे निकल रहे थे उन्होंने। कभी कुछ बहस हो गई, ऐसा कुछ हुआ, उस टाइम में मैं उनको बातें करी कि मतलब ऐसा मत करो, ये चीज़ें सही नहीं है बोल के। वो क्या इनसिक्योरिटी थी मेरे को नहीं मालूम है उनको लेके। उन्होंने बाद में उनकी पूरी फैमिली, उनके मम्मी, उनके डैडी, कुछ भी लड़ाई हो कुछ भी हो ये लोग मर जाना अंदर ही बोल के बोलते थे। इतने बड़े लोग थे घर में लेकिन कोई आके हम लोग को ना पूछता था ना देखता था और एंकरेज करते थे उल्टा के मारो पीटो जो जो कर सकते करो बोल के था। और हमेशा से ये इंसान यही करते रहा, गैर ज़रूरी के इधर उधर किराए के घरों में लेके जाना रखना, फिर यहाँ से कुछ तो भी सुन के आके वहाँ लड़ाई झगड़े करना, वहाँ से सुन के आके वो करना, वो सारी चीज़ें करते रहे। एक बार रात में क्या है मेरे ऊपर इनू मेरा गला दबा के मारने की कोशिश करे, फिर मैं यहाँ के पीएस में भी कंप्लेन कराई कि ऐसा ऐसा करे मेरे साथ, इन्हों गला दबाए मेरा बोल के। उस टाइम में पुलिस वाले कुछ भी नहीं करें, आप घर को जाइए बोल के बोले, और घासी बाज़ार पीएस में हम आपकी कंप्लेंट कराते बोल के लिख के देते बोल के बोले, आप वहाँ जाइए बोल के बोले। फिर घासी बाज़ार पीएस में जाने के बाद में से वहाँ के जो एसआई थे उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिए। उन्होंने ये बोले कि अम्मा होते रहता, घर के लड़ाई झगड़े हैं, कुछ भी बड़ी बात नहीं है बोल के। उन्होंने वहाँ से काउंसलिंग सेंटर को केस रेफ़र कर दिया। काउंसलिंग सेंटर में 3 से 4 सेशन्स हुए, वहाँ पर भी समझाया मैडम उनको बहुत सारी चीज़ें बोलें कि तुम आदमी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कमाना करना, तुम औरत को टॉर्चर नहीं कर सकते। उन उतने सारे चीज़ें बोलने के बाद में से ना इनकी फैमिली कोई चीज़ को रिस्पॉन्ड करी ना कुछ करी। कुछ भी लड़ाई हो, अगर मेरे को पीएस को जाना है आधी रात को या कुछ भी मेरे को करना है, इनके फादर गंदे गंदे गालियाँ देते थे और जो घर के बाहर हकाल देते थे मेरे को। आज क्या हुआ आपके साथ? आज जो है मेरा डिवोर्स होने के बाद में से इन्हों मेरे को बच्चों को नहीं मिला रहे थे। हस्बैंड मेरे जो एक्स हस्बैंड है मोहम्मद जाकिर, मेरे को हमेशा इनके घर पे जाके मेरे को बच्चों को कैरी करना पड़ रहा था बच्चों से मिलने के लिए। लगा कैसे है क्या है बोल के। तो आज भी मैं बच्चों को देखने के लिए गई थी वहाँ पर, तो मेरे दो बच्चे जो है वो दो बच्चे घर में से बाहर आए, मेरे को एक्चुअली 3 बच्चे हैं तो वो 2 बच्चे बाहर है। मैं बोली बच्ची कहाँ है बोल के पूछी मैं उनसे, तो वो लोग बोले कि पापा बाहर लेके गए, मम्मी के साथ में लेके गए, उन्होंने सेकेंड मैरिज कर ली है। तो इससे पहले उन्होंने 1-2 दिन पहले जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी को उनके फादर का एक और के घर है वहाँ पर लेके गए थे। तो तब भी मैं उनको समझाई थी कि बच्चों को बाहर मत लेके जाओ, कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्यों इतना रिस्क ले रहे हैं बच्चों के साथ, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं करे। आज उन्होंने अपनी सेकेंड वाइफ के घर को बच्ची को लेके गए। तो फिर मेरे को मैं उनको कॉल करके पूछी कि कहाँ है, बोलता मैं घर में हूँ बोले। तो मैं बोली मैं आधा घंटा इंतज़ार करके मैं बच्चों को लेके आई घर से, बच्चे मेरे को ये बोले कि पापा मम्मा और माहिन को ले लेके गए हुए है बोल के बोले। तो मैं बोली 5 मिनट में बच्चे को लाके छोड़ो, तो मेरे को मालूम हो जाता तुम घर पर है बोल के बोलता। उन्होंने शायद मैं भी उन्होंने जब ही आए थे घर पर, आधा घंटा मैं ठहरे तो भी उन्होंने बाहर नहीं आए थे। तो उसके बाद में से मैं जब उन्होंने थोड़ा सा रास्ता ले लेके आए थे बच्ची को, मैं रिटर्न चल मैं बोली चलो तुम्हारे घर पे बात करेंगे तुम्हारी वाइफ से क्या प्रॉब्लम है आखिर, तुम केयर नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट उन्हों तो देखना ना, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना थोड़ी सारी, तो भी बच्ची है छोटी। बोले तो तुम्हारी वाइफ को बुलाओ, बोलता नहीं बुलाते हमारी वाइफ को नहीं करते बोल के, उनके अम्मी आके ले लेके जाओ तुम्हारे को अगर इतना है तो, अरी तुरी गाली गलोस पे उन्होंने उतर गए। और उनके बड़े भाई आके बोले हम क्या केयर करने वाले नहीं दिख रहे वो ये बोल के ना मेरे को बातों में लगा दिए। और उतनी देर में उन्होंने अच्छा बड़ा सा ग्रेनेड रखा हुआ था वहाँ पर, वो उठा के मेरे सर पे मार दिए उन्होंने मारे। तो मैं उस टाइम में थोड़ा सा पीछे हट गई, मतलब मार लग गया मेरा बैलेंस। जाकिर कौन है? जाकिर एक्स हस्बैंड है। तो उन्होंने मैं थोड़ा सा पीछे हटी, उसके बाद में से फिर सेकेंड टाइम उनके भाई है मोहम्मद मुनव्वर बोल के
उन्होंने बोल रहे हैं मार मार इन्हें, मर गए तक मार, कितना मार सकता, मार ये मौका है मार, इसको बोल के उन्होंने चीख रहे थे। और तो उन्होंने भाई का नाम क्या, मोहम्मद मुनव्वर है। तो उन्होंने क्या करे, फिर सेकेंड टाइम ग्रेनेड उठा के जो मेरे को मारे, तो मैं पूरे तरीके से नीचे गिर गई। गिरने के बाद में से फिर एक बार उठाए मेरे को मारने के लिए। उस टाइम में उनके एक बड़े भाई आए, उन्होंने आके उनको खींच के लेके चले गए। मेरे सर में से इतना खून जा रहा था उस टाइम में, लगा बच्ची को भी ढकल दिए, बच्ची को भी गिरा दिए, बच्ची भी वहीं ठहरी हुई थी, कोई भी बच्ची को भी नहीं देख रहे थे। तो वैसे जैसे स्टेट में थी मैं, वही स्टेट में मैं पीएस को भाई। अब पीएस में आने पर आपको क्या बोले पीएस वाले? पीएस में मेरे आने से पहले उन्होंने मौजूद थे, उन्होंने आके यहाँ पर ये बोले कि इन्होंने मेरे घर में गाली गलौज करने की वजह से मैं इनको मारा। तो अभी तक कोई भी पीएस में कोई एक्शन नहीं हुआ। उन लगा मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, मेरा वहाँ पर थोड़ा सा ट्रीटमेंट हुआ, अब आके लगा FIR दर्ज कराए। कितने स्टिचेस लगे आपको? ऑलमोस्ट 8 to 9 स्टिचेस है। हाँ, किधर लगे आपको? पूरे सर पे। मेरे को इंसाफ होना है और जो क्राइम करे उनको सजा देना चाहिए। अवैसी कॉलोनी। अभी कंप्लेन हो गई ना आपको? कंप्लेन हो गई, बट वो लोग इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे मेरे को नहीं मालूम है। ऑलरेडी मेरे 3 to 4 यहाँ पर कंप्लेंस है, कभी उन लगा एक्शन नहीं लिया मेरे ऊपर, कभी भी नहीं लिए। इस वजह से आज मैं ये प्लेस में आके बैठी हुई हूँ। अगर इन लगा स्टार्टिंग में क्राइम को अगर रोक देते तो ये आज नहीं होता था। खाली नाम को बोलते कि वुमेन एम्पावरमेंट है। एक औरत 11:30 रात को अगर पीएस को आ रही तो उसकी हेल्प करना चाहिए, ना कि उसको घर को भेज देना चाहिए। दूसरी चीज़, मेरे बच्चे को ने एक बार मारे थे, मैं आके बोली कि ये चाइल्ड अब्यूजमेंट चल रहा है यहाँ पर, इन लगा ऐसे ऐसे चीज़ें करें मेरे बच्चों के साथ में। उस टाइम में यहाँ के SI सर मेरे को ये बोले कि हमारे बाबा मेरे को खुंदल खुंदल के मारे, तो मैं आज पुलिस वाला बना। मैं बोली सर अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्राइम नहीं रुकता, खाली अपना नाम को क्राइम 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 रोकना है, क्राइम रोकना है बोल रहे हैं। और इनके फादर हमेशा बोलते कि पुलिस वाले कोई भी कुछ भी नहीं कर लेते, हम तुम्हारे साथ चाहे जो भी कर लो, पुलिस कुछ भी नहीं है, ड्राइवर है।